दोस्तों मिडिल क्लास मतलब ना इधर के ना उधर के, यानी कि बीच में लटके हुए। तो क्या आज भी मिडिल क्लास को इसी तरह से डिफाइन किया जाए? इसके सबसे बड़े तीन रीजन है रिस्क का डर, रिच बनने का दिखावा और फिजूल खर्ची की आदतें। आजकल मिडिल क्लास बने रहने को इन तीन रीजन से डिफाइन किया जाए तो गलत नहीं होगा। चाहे तीनों में से एक भी रीजन हो, लेकिन ये फैक्ट हर मिडिल क्लास फैमिली पर फिट बैठता है। बहुत से लोग अपने कमाए हुए पैसे उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं जिनको वो पसंद ही नहीं करते। मिडिल क्लास लोगों को लेकर एक माइंडसेट बना हुआ है, वो कुछ नया करने से या रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। ये लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे, ऑफिस में या चाय की टपरी पर, और अक्सर कहते नजर आएंगे कि जितना है उसमें खुश रहो, रिस्क लेकर सब कुछ बर्बाद करना है क्या, और चाय की लास्ट सिप लेते हुए निकल जाएंगे। मिडिल क्लास लोगों को बिजनेस के आइडिया तो बहुत आते हैं, लेकिन नुकसान का डर हमेशा परेशान करता रहता है। और अगर कोई ग्रेजुएट होने के बाद बिजनेस करने का चाहे तो उन्हें बचपन से रिस्क और नुकसान का डर जरूर रहता है, और ये डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अब बात करते हैं दिखावे की। इमेजिन कीजिए अमीरी क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वेकेशन पर अलग अलग जगह घूमना, इसी को तो अमीरी कहते हैं। ये तो आप और मैं कोई भी कर सकता है, लेकिन इन सब चीजों में पैसा लगता है और वो है नहीं। मान लीजिए हॉलीडे पर जाने का मूड बन भी गया तो बजट नाम का शैतान उसे कैंसिल करवा देता है। और दिखावा, आप गर्मियों की छुट्टियों में कौन कौन से देश घूमने गए, शॉपिंग के लिए कौन से मॉल जाते हैं, दुबई गए कि नहीं, अगर नहीं तो आप मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं। मिडिल क्लास के लोग इस टैग से बाहर निकलने की कोशिश में सबसे ज़्यादा ठगे जाते हैं। रही कहीं कसर इंस्टाग्राम और फेसबुक पूरी कर देता है। बाहर घूमने गए हैं तो सबूत दो, फ़ोन में सजाने को रखी है क्या फ़ोटो। लोगों को अच्छी चीज़ों का शौक नहीं है, बल्कि अच्छी दिखने वाली चीज़ों का शौक है। मिडिल क्लास के लोगों को अपनी आदतें बदलनी होगी और डर के आगे जीत के कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करना होगा। क्या हम सही मायनों में अपने पैसों के साथ जस्टिस कर रहे हैं? आजकल हर किसी को एक जुनून सुवा रहे हैं कि लोग उनकी बातें करें, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी शो ऑफ करना पड़े। उसकी कार मेरी कार से बड़ी कैसे है, उसका घर मेरे घर से ऊँचा कैसे है। आजकल हर कोई अपने आप को दूसरे से बेहतर दिखाने और दूसरे को नीचा दिखाने के फिराक में रहता है। कार चाहे 4 लाख की हो या 40 लाख की हो, उसमें बैठने वाले तो 5 या 7 ही होंगे। आज अकेले बंदे को बड़ी सी गाड़ी में देखकर उसकी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप या तो मिडिल क्लास हैं या फिर आपने जैसे तैसे करके कार ली है। ये माइंडसेट आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसे देखकर मिडिल क्लास लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगे हैं और ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। आपको याद होगा टेलर ब्रांड स्लिप शर्ट या पैंट के अंदर की तरफ छुपा के लगाते थे, अब ब्रांड के टैग बाहर लगने लगे हैं ताकि भरपूर दिखावा किया जा सके। ये सब मकड़ी के जाल जैसा ट्रैप है, इसमें मिडिल क्लास लोग आसानी से फंस जाते हैं और बड़े हाथी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। दोस्तों कई सारे लोग अमीर पैदा नहीं होते, लेकिन उनके हाथ में है कि वो कैसी लाइफ जीना चाहते हैं। उन्हें मिडिल क्लास के ठप्पे को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए और उस लाइफ की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए जो उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा करने से रोकती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।